जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम ऑनलाइन वेब टीचर डॉट कॉम। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि कैसे आपने जॉब पोर्टल वेबसाइट बनानी है, यानी कि जॉब पोर्टल या जॉब पोस्टिंग वेबसाइट को आपने बनाना है। ठीक है, कैसे उसके पेज बनाए जाते हैं, कैसे पोस्ट की जाती है, कैसे लोगो, उसका हेडर, फुटर, पोस्ट सेक्शन, सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं और इसे कैसे मैनेज किया जाता है, उस पर पोस्ट कैसे डालनी है, यानी जॉब आपने कहाँ से लेनी है। जॉब पोर्टल की वेबसाइट तो आपने बना ली, ठीक है, अब उस पर जॉब्स जो आपने डेली बेस पे जो जॉब्स आई होती हैं वो कैसे पोस्ट करनी है, तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा कि जॉब कैसे पोस्ट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से पोस्ट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसे अपनी वेबसाइट में कैसे डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है, तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। अब वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और ये डैशबोर्ड कैसे आता है, कैसे बनाया जाता है, तो इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। यानी अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना नहीं आता तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें और देखने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें। यहाँ तक कंप्लीट मैंने स्टेप बताए हुए हैं, ये कर लें, फिर ये वीडियो यहीं से आपने कंटिन्यू करनी है। अगर आपको ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आता है तो आप वीडियो यहां से कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे पहले आपने थीम इंस्टॉल कर लेनी है। अब थीम इंस्टॉल करने के लिए यहां अपीयरेंस में आना है और थीम पे कर देना है क्लिक, एड न्यू पे करेंगे क्लिक। अब यहां पे अपलोड भी कर सकते हो, यहां से आप सर्च भी कर सकते हो, मैं अपलोड करूंगा एक थीम। अब यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में मेरे पास फ्रंटियर के नाम से एक थीम पड़ी है, तो ये मैं इंस्टॉल कर लूँगा, इंस्टॉल नाउ पे करूँगा क्लिक, ये अपलोड हो रही है मेरे पास, एक्टिवेट। अब पहले हमारे पास थी ये बेसिक थीम के साथ हमारे पास ये वेबसाइट थी, अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और देख लेते हैं कि कैसी लुक आ रही है। अब हमारे पास ये आ चुकी है, ये थीम हमारे पास आ चुकी है। अब इसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, इसकी चेंजिंग कर लेते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट के जॉब्स वेबसाइट के हिसाब से, इसमें कैटेगरीज ऐड कर लेते हैं, कुछ पेजेस भी ऐड कर लेते हैं और इस पर हम लोग जो जॉब भी पोस्ट करेंगे। अब आ जाना यहाँ कस्टमाइज सेक्शन में और थीम फ्रंटियर ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक चीज़ यहाँ पे शो टॉप बार साइट टाइटल, जो ये टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना, ये ऊपर यहाँ पे, ठीक है, फिर साइट डिस्क्रिप्शन, टॉप मेन्यू, टॉप मेन्यू मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पे टॉप मेन्यू भी आना चाहिए। अब यहाँ पे लोगो हम लोग ऐड कर लेंगे, ये हेडर सेक्शन है, हेडर की विड्थ हम लोग इतनी रखने वाले हैं। अब ये है बाय डिफॉल्ट ये वाला आया है, तो यहाँ पे हम लोग ने जो है लोगो ऐड कर लेना है। लोगो कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए दो वेबसाइट हैं, एक है कूल टेक्स्ट के नाम से और दूसरी है लोगो मेकर, सॉरी लोगो मेकर डॉट कॉम। यहाँ से आप लोगो बना सकते हो और यहाँ पे भी इस वेबसाइट की मदद से भी आप लोगो बना सकते हो। इसमें ज़्यादा ये लोगो मेकर वाले आपको कस्टमाइजेशन, यानी अच्छा एक लोगो आप बना सकती हो, आइकन भी ऐड कर सकती हो और अच्छे फॉन्ट्स हैं, इसमें प्रोफेशनल लोगो बन जाता है। इसमें लिमिटेड चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पे लोगो जल्दी बन जाता है, तो अब मैं लोगो बना लेता हूँ, कोई एक फॉन्ट मैं ले लूँगा और जॉब्स वेबसाइट फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारी वेबसाइट का नाम है, तो क्रिएट पे कर देंगे क्लिक। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो लोगो का, ठीक है, मैं नहीं चेंज कर रहा क्योंकि हमारा मकसद वेबसाइट बनाना है, लोगो बनाना नहीं है। लोगो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी वेबसाइट के लिहाज से डिज़ाइन कर लेना है, तो मैं जस्ट डेमो के लिए आपको ये बना के दिखा रहा हूँ। तो अब ये रिमूव करने के बाद, अब ये मैं रिमूव पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, अपलोड पर करेंगे क्लिक और ये यहाँ पे मैं ड्रैग कर दूंगा ये उठा के, अब ये सिलेक्ट कर देंगे, इसे सेव पे क्लिक कर देंगे। हेडर मैं आपको बताऊंगा कि हेडर को कैसे चेंज किया जाता है,
तो वो हम लोग आखिर में करेंगे। अब लेआउट पे आ जाएंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास लेआउट आएगी। अगर हमने फुल विड्थ रखनी है तो इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अगर हमें सिर्फ लेफ़्ट साइड बार चाहिए, यहाँ पे राइट आ रहा है, लेफ़्ट साइड बार चाहिए तो हम ये रख लेंगे। हमें दो साइड बार चाहिए, लेफ़्ट और राइट, और एक ये पोस्ट एरिया चाहिए तो इस पे क्लिक कर देंगे। हमें पोस्ट एरिया दरमियान में चाहिए और लेफ़्ट साइड पर भी एक साइड बार चाहिए और राइट साइड पर भी एक साइड, तो हम लोग ये सिलेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद है कंटेनर। कंटेनर का मतलब है कि ये वाला एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, यानी इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो इसे मैं ज़्यादा कर दूँगा, ये मैं इसको 1100 कर देता हूँ, ठीक है। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये देखें, ये काफ़ी बड़ा हो गया। अब कंटेंट 65% और साइड बार 35% आ जाएगा। अब उसमें तीन कॉलम हमारे पास दिए गए हैं, 50%, 25% और फिर 25%। तो आप इसको जितना मर्ज़ी आप सेट करना चाहो, सेट करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद अब ब्लॉग व्यू एक ऑप्शन है, ब्लॉग व्यू में ये चीज़ें आ जाएंगी। थंबनेल आप डालना चाहते हो, ऑथर का नाम डालना चाहते हो, डेट पब्लिश आप डालना चाहते हो, या कैटेगरीज, स्केयर रेक्टेंगल आप शो कराना चाहते हो पोस्ट को किसी स्केयर में आ जाएगी। तो आप डेट पोस्टेड, डेट अपडेटेड, ये आप करना चाहते हो, यानी पोस्ट आपने की है और कुछ दिनों बाद आप उसे अपडेट करते हो, तो क्या आप उसे शो कराना चाहते हो तो इसको चेक कर देना है। टैग आप शो कराना चाहते हो तो इसे चेक कर देना है। सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर सिंगल पोस्ट व्यू, सिंगल पोस्ट में ये चीज़ें आ जाएंगी, जो चीज़ आप रखना चाहो तो उसको आपने टिक कर देना है और चीज़ें चेक कर देना है। विजिट एरिया, ये है विजिट एरिया, ठीक है। और फिर इसके बाद ये कलर आ जाते हैं, कलर आप कौन सा कलर रखना चाहते हो उस कलर को भी आपने सेट कर लेना है। अब बारी आ जाती है स्लाइडर की, यानी आप यहाँ पे अगर स्लाइडर भी डालना चाहते हो तो इसको भी सेलेक्ट कर देना है। इसको जब आप चेक कर दोगे तो आपका स्लाइडर भी आ जाएगा, ठीक है ना, ये एक्टिव हो जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये वाला स्लाइडर हमारे पास आएगा। तो ये करने के बाद पोस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब थीम की सेटिंग यहाँ पे हमारे पास हो चुकी है। अब हम लोग कुछ पेज ऐड कर लेंगे। पेज ऐड करने के लिए ऐड न्यू पे करना है क्लिक, ये पेजेस में आना है और ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना है। अबाउट अस, ठीक है, ये मैं ऐड न्यू तीन पेज में ऐड कर लूँगा। कंटेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी से भी पब्लिश कर देंगे, और फिर एक और पेज डिस्क्लेमर का, ठीक है। पेज ऐड कर लिए। पेज ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज ऐड कर लेनी है। कैटेगरीज ऐड करने के लिए पोस्ट सेक्शन में आना है और यहाँ पे सब मेन्यू है कैटेगरीज, इस पर क्लिक कर देना है। अब सबसे पहली कैटेगरी, आप जॉब्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो हमने PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट जॉब्स हम लोग डालना चाहते हैं, तो सबसे पहली कैटेगरी PPSC आ जाएगा। फिर इसके बाद FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आ गया, ठीक है। बैंक, पुलिस, आर्मी, ठीक है ना। इसी तरह से आपने कैटेगरीज ऐड कर लेनी है। अब कैटेगरीज भी ऐड हो गई, पेजेस भी हम लोगों ने ऐड कर लिए, तो अब हम लोगों ने मेन्यू सेट कर लेने हैं। मेन्यू सेट करने के लिए अपेयरेंस सेक्शन में आना है और मेन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मेन्यू का नाम हम लोग रख लेंगे। सबसे पहला आ जाएगा टॉप मेन्यू, टॉप मेन्यू और टॉप बार, ठीक है। तो इसे कर लेंगे हम लोग क्रिएट, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो पेज हमें दिए गए हैं, होम,
अबाउट अस, कंटेक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ऐड टू मेन्यू कर लेना है। ठीक है, अब ये टॉप बार यहाँ पे आ जाएगा, टॉप बार पर सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। अगेन हम लोग ने एक और मेन्यू बनाना है तो क्रिएट न्यू मेन्यू पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे मेन मेन्यू, ये हम लोग मेन मेन्यू अपना बना रहे हैं। तो मेन मेन्यू में हम लोगों ने एक और ये एक हम लोग होम पेज रखेंगे। ठीक है, फिर जो कैटेगरीज हम लोगों ने बनाई हैं तो वो कैटेगरी हम लोग रखने वाले हैं। व्यू ऑल पे करना है क्लिक, आर्मी, बैंक, पीपीएससी, पुलिस, पीपीएससी और ये ऐड टू मेन्यू हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारे पास कैटेगरी आ गई। किस को कहाँ पे हम रखना चाहते हैं, प्राइमरी में हम लोग इसे रखना चाह रहे हैं, तो सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को। अब देखें ये आ गया टॉप मेन्यू, ये पेजेस जो हम लोगों ने बनाए ये टॉप मेन्यू पे आ गए। फिर अब ये कैटेगरीज जो हम लोगों ने बनाई है तो ये कैटेगरी यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये वाला जो टेक्स्ट एरिया है ये कैसे चेंज होगा, ये वाला, ठीक है ना। इसे चेंज करने के लिए हम लोगों ने आना है यहाँ कस्टमाइज सेक्शन में, ये अपेरेंट्स के अंदर कस्टमाइज सेक्शन में, कस्टमाइज पे करना है क्लिक। ठीक है, साइट आइडेंटिटी पे करना है क्लिक और यहाँ पे चेंज कर लेंगे। इसको हम लोग चेंज करेंगे जॉब्स वेबसाइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर लेनी है पीपीएससी जॉब्स, एफपीएससी जॉब्स, ठीक है ना, पुलिस, आर्मी, जो भी आपका जो भी आपकी टैगलाइन है या डिस्क्रिप्शन है, तकरीबन ये 160 वर्ड की होती है तो उसे आपने सेट कर लेना है। लेकिन ये नेचुरली आपने डालनी है, यानी एक पैराग्राफ की सूरत में जैसे हम लोग डालते हैं वैसे अगर आप डालोगे तो ये सर्च इंजन के लिहाज से सही रहेगा। मैंने तो बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए ऐसे ये डाल दी हैं। अब इसके बाद आ जाता है साइट आइकन। साइट आइकन का मतलब है कि अब ये जैसे ये वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस आइकन शो हो रहा है, और यूट्यूब का ये प्ले बटन शो हो रहा है, जनरेटेड इमेज का ये वाला शो हो रहा है, फ्री लोगों का ये वाला। इसी तरह से अब क्योंकि हम लोगों ने नहीं ऐड किया हुआ तो ये हमारे पास ये वाला आ रहा है वर्डप्रेस का। जब हम लोग ये यहाँ से साइट आइकन ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब साइट आइकन मैं ऐड करता हूँ और इस पर मैं करूँगा क्लिक। अब यही मैं उठा लूँगा। ठीक है, अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा चाहिए, ये वाला। ठीक है, ये कम या ज़्यादा नहीं होगा, तो इसे क्रॉप, ये अलहदा से जब आप लोगो बनाओगे तो इसे आपने बना लेना है, सेट कर लेना है, पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ये साइट आइकन भी यहाँ पे आ गया और जॉब्स वेबसाइट ये भी चेंज हो गया। ठीक है, तकरीबन सारी चीज़ें अब कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब जॉब हम लोगों ने कहाँ से उठानी है, कैसे इस पर डालनी है, तो मैं एग्जाम्पल लूँगा पीपीएससी की वेबसाइट। पीपीएससी की वेबसाइट पे मैं जाता हूँ, पीपीएससी की वेबसाइट पे नई जॉब्स आती रहती हैं और इस पे ट्रैफिक भी अच्छी खासी होती है। तो अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, ये जॉब्स यहाँ पे करंट एडवर्टाइजमेंट ये चल रही है। अब ये वाली जॉब्स मैं डालना चाहता हूँ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में, तो ये डाउनलोड हो गई मेरे पास। तो अब मैं इसे ओपन करता हूँ, ये मेरे पास आ गई। तो अब इस जॉब को पोस्ट करने के लिए मैं अब आ जाऊंगा यहाँ पोस्ट सेक्शन में और ऐड न्यू पे करूंगा क्लिक। अब मैं ये एडवर्टाइजमेंट देख लेता हूँ कि लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, अब ये वाला टेक्स्ट मैं कॉपी कर लूँगा, ये मैंने कर लिया कॉपी, और ये टाइटल आ जाएगा। इसकी हेडिंग मैं बना लूँगा पीपीएससी जॉब्स इन लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। अब एक बात यहाँ पे, क्योंकि ये सारे कैपिटल लिखे हुए हैं, मुझे कैपिटल नहीं चाहिए, तो एक वेबसाइट है केस कन्वर्ट, उस वेबसाइट पे मैं चला जाता हूँ और मैं इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। अब ये सारे ना मेरे कैपिटलाइज्ड केस में मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, कैपिटलाइज्ड में पहला इंसा बड़ा आ गया, ठीक है, बाकी स्मॉल आ जाएंगे। तो अब ये यहाँ पे आ गया, ये डिपार्टमेंट यहाँ पे 2020, ये टाइटल बन गया मेरे पास। ठीक है,
अब यही टाइटल आपने सेम टाइटल आपने पोस्ट में डालना है, ठीक है ना। अब इसकी एसईओ कैसे की जाती है, ये पोस्ट कैसे डालते हैं, तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो उस वीडियो को देखने के बाद आपने एसईओ यानी ऑन पेज एसईओ जैसे होता है, पोस्ट को कैसे लिखा जाता है, उसमें पूरे के पूरे जो ग्रीन सिग्नल होते हैं वो कैसे आते हैं योस्ट एसईओ के। अब योस्ट एसईओ पे भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हमें कुछ प्लगइन भी रिक्वायर होंगे, एक और बात मैं पोस्ट पे आ गया, हमें कुछ प्लगइन भी की भी ज़रूरत होगी, तो वो प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये ऐसे आपने डाल देनी है या फिर आपने आइडिया ले लेना है। अब दूसरी जो जॉब्स की वेबसाइट है वो कैसे पोस्ट को डालते हैं, एक है वी यू लर्निंग, वो पोस्ट को कैसे डाल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे PPSC पे मैं क्लिक करता हूँ, ये है ये, ठीक है। अब देखें ये टेबल बनाई है, सबसे पहले उन्होंने ये टेबल बनाई है, टेबल में उन्होंने डिटेल दी, जॉब लोकेशन कहाँ है, पाकिस्तान है, डेट कहाँ है, ये है लास्ट डेट टू अप्लाई, ये न्यूज़पेपर, ये आ गया, यानी न्यूज़पेपर वाइज भी आप डाल सकते हो, यानी आप अलहदा से एक कैटेगरी बना सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया, पंजाब यानी जो जॉब्स थी उसके हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, और जो जॉब्स आई हैं कौन कौन सी जॉब्स आई हैं यहाँ पे, अब ये वाली जो जॉब्स आई हैं इसकी डिटेल भी उन्होंने बता दी। अब सेम आप इसी को भी यहाँ से आप टेक्स्ट उठा लो, यहाँ पे कोई कॉपीराइट नहीं आना, तो ये आप सेम डाल सकते हो, और ये कॉपी करने के बाद सेम उधर आप जब आप डाल दोगे तो आपकी पोस्ट बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब अगेन उन्होंने PPSC की जो वैकेंसीज आई हैं वो यहाँ पे लॉ एंड पार्लियामेंटरी अफेयर, ठीक है ना, ये उन्होंने ये यहाँ पे दे दिया है, यानी एक दो फिर जो इनकी तादाद है, फिर लास्ट डेट टू अप्लाई, ये यानी ये आपने सिंपल लिख देना है। फिर इसके बाद ये वाली जो है ये कंप्लीट इश्तिहार भी आपने सेम यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ये कैसे इंसर्ट किया जाता है, यानी सारी टेबल वगैरह आपने बना ली तो इसे आपने इंसर्ट कर देना है। अब ये तो मेरे पास है PDF, तो मुझे असल में इमेज चाहिए अपनी पोस्ट में इंसर्ट करने के लिए, तो PDF टू पिक्चर JPG, ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है, तो इस पे जब आप ये PDF आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो इसकी फाइल आपको दे देगा, ठीक है ना, जो भी यानी कि आपने जैसे इन्होंने ये डाली हुई है, सॉरी ये VU लर्निंग वालों ने ये उन्होंने अपना ये वाटरमार्क भी डाल दिया, यानी अपनी ब्रांडिंग भी कर दी। इसी तरह से जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आपकी डोमेन है, आप उसकी ब्रांडिंग भी कर सकते हो। सिमिलरली इसी तरह से आपने डाल देनी है, डालने के बाद ये पोस्ट आपने इंसर्ट कर देनी है। ये कैसे डालते हैं, तो इसके लिए इमेज, ये इमेज सेक्शन पे आना है, वैसे जो आपने वहाँ पे कन्वर्ट की हुई है तो उसको आपने यहाँ पे ऐसे उठा के यहाँ पे डाल देनी है और ये इंसर्ट कर लेनी है, ठीक है ना। इंसर्ट करने के बाद आपने सिंपल पब्लिश पे क्लिक कर देना है, तो इसी तरह से पोस्ट हो जाएगी, यानी आपका मसला हल हो गया कि कैसे आपने जॉब उठानी है। अब जॉब आप सिंपली आप इन्होंने डाली हुई है, कुछ और वेबसाइट है उन्होंने डाली हुई है जॉब्स, तलाश आपने कहाँ से करनी है, आइडिया ले लेना है जो दूसरे आपके जो कंपेटिटर हैं वो कैसे डाल रहे हैं। लेकिन आपने टाइटल ज़रा चेंज कर देना है, यानी सेम जैसे इन्होंने ये टाइटल डाला हुआ है तो सेम आपने टाइटल नहीं डालना, क्योंकि फिर मसला हो जाता है SEO के हवाले से, फिर ट्रैफिक नहीं आती, क्योंकि ये अथॉरिटी वेबसाइट है, इन पर ट्रैफिक ज़्यादा जाती है, यानी अगर सेम टाइटल आप डालोगे तो टाइटल आपने सिमिलर चेंज करके बाकी चीज़ें आप ऊपर नीचे करके इसी तरह से आपने पोस्ट डाल देनी है और ये आखिर में आ जाएगी। तो ये तो आपका मसला हल हो गया कि आपने जॉब कहाँ से उठानी है और कैसे इंसर्ट करनी है, पोस्ट यानी कि कैसे करनी है। ये मैं पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद अब कुछ प्लगइन रिक्वायर होंगी, तो प्लगइन इंस्टॉल कर लेनी है। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन सेक्शन में आना है और एड न्यू पे क्लिक कर देना है। तो एक प्लगइन आपको चाहिए योस्ट SEO, ठीक है, ये योस्ट SEO आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इस पर इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, योस्ट SEO की यानी कि सेटिंग होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, तो वो कौन सी चीज़ें हमें रखनी होती हैं, कौन सी नहीं रखनी होती, तो वीडियो आपने देख लेनी है।
आपको सही आइडिया हो जाएगा। तो ये वीडियो आपने देख लेनी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। ठीक है, दूसरी हमें प्लगइन चाहिए कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, ऑटो ऑप्टिमाइज या योस्ट या डब्ल्यू पी रॉकेट वेबसाइट की स्पीड और कैशे के लिए। तो ऑटो ऑप्टिमाइज आप डाल दो, ऑटो ऑप्टिमाइज और डब्ल्यू रॉकेट पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक, उन दोनों की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये इंस्टॉल कर लेनी है और इसकी जो सेटिंग है वो भी मैंने बताई हुई है, लाइव प्रोजेक्ट पे मैंने किया हुआ है। तो आपने डब्ल्यू पी रॉकेट जो है वो पेड प्लगइन है, वो मैंने फ्री में दी हुई है आपको। तो इसी तरह से ये प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। तो अब जॉब पोर्टल वेबसाइट रेडी हो चुकी है हमारे पास। अब मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, अब देखें ये आ गए। अब ये एक पोस्ट इस पर, क्योंकि हमने फीचर इमेज नहीं लगाई थी तो ये फीचर इमेज आ गई। अब यहाँ पे ना साइड बार पे ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड करनी है और कुछ चीज़ें हमने रिमूव करनी है। तो मेटा टैग, कैटेगरीज, आर्काइव, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये कैसे रिमूव होंगी, तो इसके लिए आना है अपेरेंट सेक्शन में और विजिट सेक्शन में आना है। साइड बार राइट, राइट साइड बार पे अब मैं इसे डिलीट कर दूंगा, आर्काइव मुझे नहीं चाहिए। कैटेगरीज, कैटेगरीज मुझे चाहिए। तो डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन, पोस्ट काउंट आप करना चाहो ड्रॉप, मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर देता हूँ। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब फिर ये है मेटा, मेटा को भी मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रीसेंट पोस्ट, एक और मुझे चाहिए रीसेंट पोस्ट। सर्च कर लेते हैं कहाँ, ये है रीसेंट पोस्ट, कितनी 10 पोस्ट मुझे शो होनी चाहिए। तो रीसेंट जॉब्स के नाम से सेव चेंजेस पे कर दूंगा। ठीक है, डन हो गया। अब हम लोग अपनी वेबसाइट चेक कर लेते हैं कि कैसे हमें दिखाई देती है। रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, अब देखें ये यहाँ पे सर्च ऑप्शन आ गया, यानी कि कोई बंदा सर्च करना चाहे कोई जॉब सर्च कर सकता है। रीसेंट जॉब्स ये यहाँ पे रीसेंट आ जाएंगी, यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से आपने जॉब वेबसाइट बना लेनी है, बिल्कुल सिंपल है। और इसी तरह से आपने कंटिन्यू वर्क अपना कर, और एक बात मैं आपको बता दूँ, जॉब्स वेबसाइट जल्दी रैंक हो जाती है क्योंकि आए रोज़ जॉब्स आती रहती हैं। तो यानी आप कम वक्त में अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। मैं, मेरा एक्सपीरियंस रहा है जॉब्स वेबसाइट पे, तो अच्छी खासी यानी कि ट्रैफिक आ जाती है, यानी आए रोज तो नई नई जॉब्स आती रहती हैं। तो बेरोजगारी की शरह इतनी ज़्यादा है, लोग सर्च भी करते रहते हैं, यानी जॉब्स की सर्चेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा दें। तो इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।